क्या बीजेपी में जाएंगी कुमारी शैलजा? कांग्रेस से क्यों नाराज है शैलजा? क्या शैलजा को साध पाएगी भाजपा? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक तरफ कुमारी शैलजा की नाराजगी, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर की सियासी ऑफर कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि शैलजा अगर सच नाराज हुई तो 10 साल से सियासी वनवास को दूर करने में जुटी ग्रेट ओल्ड पार्टी कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा झटका लग सकता है। वजह यह भी है कि कुमारी शैलजा का सियासी कद और हरियाणा का चुनावी समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरियाणा विधानसभा में दरअसल 90 सीटें आती हैं और 90 सीट के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला माना जा रहा है। आपको बताएं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें आ रही। ये कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे पर तरजीह न मिलने से शैलजा काफ़ी नाराज हैं। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की घोषणा की है उसमें से शैलजा गुट को सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर ही तवज्जो दी गई। भूपेंद्र हुड्डा गुट को 72 और रणदीप सुरजेवाला गुट को 2 टिकट दिए गए। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी भी ठोकी थी, लेकिन हाईकमान ने इसमें कोई भी विशेष रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद से ही शैलजा मेन फीचर से गायब हो चुकी हैं और हाल ही में शैलजा ने कांग्रेस प्रभारी पर एक ही पक्ष के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मंच पर शैलजा नजर नहीं आई। हालांकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जरूर शामिल हुआ है और करनाल के घरौड़ा के अंदर चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर दे दिया। खट्टर ने कहा कि शैलजा को कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है और ये सभी दलित वर्गों का सीधे तौर पर अपमान है। खट्टर ने आगे ये भी कहा कि आज कांग्रेस के भीतर कुमारी शैलजा को गालियां दी जा रही, उन्हें राजनीति के मैदान तक नहीं आने दिया जा रहा। मैं ये चाहूँगा कि शैलजा भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ पर आकर काम करें। पूर्व सीएम खट्टर ने आगे ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सिर्फ 2 लोग ही चला रहे हैं, एक बाप और दूसरे बेटे की। खट्टर ने आगे ये भी कहा कि बाप बेटे मुख्यमंत्री पद के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सियासी ऑफर और कुमारी शैलजा की नाराजगी के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को ये भारी पड़ सकता है? आपको इस सवाल को समझने के लिए आपको बताते हैं कि शैलजा हरियाणा की राजनीति में आखिर कितनी मजबूत हैं और किस कदर उनका वर्चस्व हरियाणा के अंदर बना हुआ है। कुमारी शैलजा को राजनीति विरासत में मिली है और उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे। शैलजा भी मनमोहन सरकार में मंत्री रही हैं और वर्तमान में सिरसा से सांसद हैं और वो अंबाला से भी चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर शैलजा की छवि एक दलित नेत्री की है। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और इस समुदाय के लिए विधानसभा में 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। हालिया लोकसभा चुनाव के अंदर दलितों के वोट कांग्रेस को जमकर मिले थे और शैलजा भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी और इसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि शैलजा बड़ी भूमिका निभाएंगी। CDSC के मुताबिक कि लोकसभा चुनाव में 68% दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है और 2019 से करीब 40% ये वोट ज़्यादा था। अंबाला और सिरसा लोकसभा के अधीन विधानसभा की 20 सीटें हैं, यहाँ पर शैलजा की मजबूत पकड़ है और शैलजा अंबाला और सिरसा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। शैलजा के जिन 9 लोगों को टिकट दिया है वो भी इसी इलाके से आते हैं। पिछले चुनाव में अंबाला लोकसभा में 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और इसी तरह सिरसा की 10 में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी कुल मिलाकर 20 में से 7 सीटें कांग्रेस 2019 में जीत पाई थी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार अगर शैलजा नाराज होती हैं तो इसका सीधा असर ज़्यादा सीटों पर पड़ना तय माना जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 विधायकों की ज़रूरत है और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब निर्दलीय और JGP विधायकों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी। हालिया लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो 90 में से 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 42 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आपको बढ़त मिली थी। अभी देखना होगा कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा की नाराजगी क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी या चुनाव से पहले शैलजा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी शैलजा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।